जितना भी हमारी एक जानकारी है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, उसके ऊपर फिल्म है। लेकिन ये कोई गॉसिप नहीं है, ये कोई स्कूप नहीं है, ये एक्चुअल में जो होता है कि अगर आप में दम है, आप में अगर साहस है, आप में अगर कला है, टैलेंट है, तो फिर आपको कोई रोक सकता नहीं है। नेपोटिज्म तो हर जगह पे, आई थिंक जब आप अच्छे एक्टर होते हो तो आप कंफर्ट लेवल यूं क्रिएट कर लेते हो। सब के सब इतने हम लोग घुले मिले थे कि लगता ही नहीं था कि हम काम कर रहे हैं, लगता मजे कर रहे हैं सेट के ऊपर। तो आई थिंक सभी मजे करते थे, एक दिन भी ऐसा नहीं था जो स्ट्रेसफुल था। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे शो टाइम वेब सीरीज आ रही है और उस वेब सीरीज के बारे में बहुत सारी बात करने के लिए हमारे साथ राजीव जी जुड़ रहे हैं। राजीव जी, लाइव हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी देखने वालों को हमें मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। हमें अपनी शो शो टाइम बड़ी ऑडियंस ट्रेलर देख है, लेकिन उसके अलावा आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए। शो टाइम एक सीरीज है जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर आधारित है। जो हम इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, हम गॉसिप्स पढ़ते हैं, हम उड़ते उड़ते स्कूप्स पढ़ते हैं जो आप लोग देते हैं पब्लिक को, तो जितना भी हमारी एक जानकारी है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, उसके ऊपर फिल्म है। लेकिन ये कोई गॉसिप नहीं है, ये कोई स्कूप नहीं है, ये एक्चुअल में जो होता है, क्योंकि बनाने वाले अगर करण जौहर की कंपनी है तो वो ये वो लोग हैं जो कि इंडस्ट्री में हैं बिल्कुल वहीं पे हमेशा, दे आर द वंस हु एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ फिल्म्स वगैरह। तो उनके नजरिए से जो उनका तजुर्बा रहा है या जो उनका एक्सपीरियंस रहा है, उसको सब कुछ वो सबको पिरोया गया है इस सीरीज के अंदर। तो इंडस्ट्री में पर्दे के पीछे क्या होता है, तो उसका एक हल्का सा आइडिया होगा पब्लिक को। आप देखेंगे किस तरह से प्रोड्यूसर जो है वो किस तरह से फिल्में बनाते हैं, फिल्में बनाने के पीछे क्या उनका एक नजरिया रहता है, क्या क्यों ऐसा होता है। जब हमारे हम कई बार बहुत सवाल करते हैं कि यार क्यों इतनी बंडल फिल्म बना रहे हैं, और ये फिल्म कैसे कर रही है 100 करोड़, 150 करोड़, हम अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि इतनी बकवास फिल्म कैसे बना लेती है 150 करोड़। वो सब कैसे होता है, क्या होता है, क्यों हम बार बार सुनते हैं कि यार ये एयरपोर्ट पे इसको देख रहे हैं हम लोग, क्यों जिम से बाहर निकल के मुझे क्या करना है ऐसे एक्टर से, ये जिम के बाहर निकल के फोटो डाल रहे हैं बार बार ये लोग, वो सब कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होती हैं, वो सब कुछ इस शो टाइम के अंदर है। मेरा कैरेक्टर जो है वो इसी दुनिया से है जो कि एक सुपरस्टार है, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर प्रोड्यूसर्स हैं तो सुपरस्टार्स भी हैं, म्यूजिशियंस भी हैं, पीआर वाले हैं, मीडिया वाले हैं, इन सब से मिलजुल कर बनता है हमारी बनती है हमारी दुनिया, हमारी इंडस्ट्री की दुनिया। तो उसमें चूंकि अलग अलग किरदार हैं, तो मेरा किरदार है वो सुपरस्टार का है, एक सुपरस्टार जो हमारे आयुर्वेद रहते हैं हमेशा। वो क्या करते हैं, कैसा सोचते हैं, क्यों उनके लिए फिल्में जरूरी हैं कि फिल्म इतना धंधा करे, कैसे करते हैं, कैसे वो अपने आप को रेलिवेंट रखते हैं, कैसे इनसिक्योर होते हैं, कैसे कभी कभी घबराहट होती है कि यार यार मेरी ये फिल्म पिट गई इस फ्राइडे को, फिर अगले फ्राइडे को फिल्म, फिर आपकी फिल्म पिट गई। अब वो पिटती है तो ठीक है, फिल्में चलेंगी भी और फिल्में फ्लॉप भी होंगी, लेकिन जब मीडिया का प्रेशर शुरू होता है, लोगों की बातें शुरू होती है, और आजकल तो इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे कि लोग कुछ भी लिख देते हैं कि यार ये तो फ्लॉप फिल्मों का हीरो है ये, या इसने 100 करोड़ दे दिया, इसने 500 करोड़ की फिल्म हो गई, तो एक किस्म की प्रेशर हमेशा रहता है हर किसी पे जो इस इंडस्ट्री में है। तो कैसे इस इंडस्ट्री में एक सुपरस्टार अपनी जर्नी को आगे बढ़ाता है, ये एक सुपरस्टार, मेरा जो कैरेक्टर है वो सुपरस्टार का कैरेक्टर है। उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी क्या, उसके हम अक्सर सोचते हैं कि यार सुपरस्टार की लाइफ में क्या होता होगा, ये लोग क्या सुबह उठ के चाय बनाते होंगे, नहीं क्या चाय पीते होंगे, अच्छा घर में कभी लड़ते होंगे आपस में, अच्छा लड़ते होंगे तो घर में तो बहुत बड़ा स्टाफ रहता होगा, तो लड़ते कैसे होंगे ये लोग आपस में। ऑल दीज क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस सीरीज में मिलेंगे। तो क्या आपका कैरेक्टर भी रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर है? जब आप देखेंगे मेरे कैरेक्टर खुद ही ये पर वो भी है, तो बेसिकली बहुत सारे सुपरस्टार्स का मिश्रण, क्योंकि मैं हम किसी एक पर्टिकुलर एक्टर या सुपरस्टार के बारे में नहीं है, ये सब सुपरस्टार्स का एक मिश्रण करके रिप्रेजेंट करता है सुपर स्टारडम, जो हमारी इंडस्ट्री में सुपर स्टारडम जिसे कहा जाता है या बना दिया जाता है, उस सुपर स्टारडम को रिप्रेजेंट करता है और उस सोच को रिप्रेजेंट करता है। जनरली जितना ये ऐसा नहीं है कि मेरा जो कैरेक्टर है वो सारे सुपरस्टार वैसे ही है, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ झलकियां हर सुपरस्टार में आपको मिलेगी मेरे कैरेक्टर के जरिए। तो इसमें नेपो किड्स के बारे में भी बात की गई है, उसके बारे में भी हाईलाइट किया गया है। आप
आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नेपोटिज्म से कभी कोई हुआ है कि नेपोटिज्म की वजह से आपको कोई फिल्म चली गई हो या कुछ भी इंडस्ट्री में आपको झेलना पड़ा हो? जी नहीं, मैं मेरा ऐसा मानना है कि नेपोटिज्म की डिबेट तो शुरू होती है उन लोगों से जो लोग इंडस्ट्री पार्ट है, जो लोग मीडिया पे सोशल मीडिया पे बैठे हैं या जो लोग ऐसी इनके पास कोई काम धाम नहीं है वो शुरू कर देते हैं बातचीत, यही नेपोटिज्म की बातचीत। यही लोग पॉलिटिक्स के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं कि अरे यार पॉलिटिक्स में इतनी नेपोटिज्म चलती है, क्यों मिनिस्टर का बेटा एमएलए का बेटे को एमएलए का टिकट मिल जाता है, क्यों एमपी के बेटे को बड़ी पोजीशंस मिल जाती हैं, क्यों किसी बड़े मिनिस्टर का बेटे को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये ऑनररी पोस्ट दे दी जाती है, तो ये डिबेट वहां क्यों नहीं होती है? ये डिबेट वहां भी क्यों नहीं होती है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन रहा है, अंबानी के बेटे वही अंबानी बन रहे हैं और वही जो आपकी धरोहर है उसको आगे लेके जा रहे हैं? क्यों ऐसा नहीं है कि कोई और बंदा आता है और वो अडानी बन जाता है या अडानी किसी और को अपनी बागडोर दे देते हैं? तो ये डिबेट जब हर जगह पे होगी तो मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, अदरवाइज हर इंडस्ट्री में आपकी जनरल मीडिया में भी होगा, जो मीडिया के जो ओनर होंगे, जो किसी पर्टिकुलर न्यूज चैनल के जो ओनर होंगे, उसके बाद में जो उसकी बागडोर है वो उनके नेक्स्ट लाइन लीनियज को जाएगी। तो ये इनहेरिटेंस का मामला है, तो इसमें अपने आप को विक्टिम बना लेना, मैं बहुत अच्छा जवाब अपने आपको विक्टिम बना के कि हाँ मैं बाहर से आया था, मैं जयपुर से आया था, छोटे शहर से आया था, उसके बाद मैंने जगह बनाई लेकिन इन लोगों ने मुझे जगह नहीं दी बिल्कुल भी, ऐसी करके मैं बहुत सारी बातें करता हूँ, वो सब बहुत ही झूठ होगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप में दम है, आप में अगर साहस है, आप में अगर कला है, टैलेंट है, तो फिर आपको कोई रोक सकता नहीं है। नेपोटिज्म तो हर जगह है। ट्रेलर में आपका एक डायलॉग था कि जो अर्मानियंस हैं वो थिएटर पे तुम्हारे फैक्ट्स चेक करने आएंगे कि मेरी शक्ल देखने आएंगे? जी हाँ, मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा जो सुना है मैंने इंडस्ट्री के अंदर कि जब आप हम सुनते हैं कि फलाने सुपरस्टार ने 50 करोड़ साइन किए, तो उनका डिबेट हमेशा यही रहता है जनरली कि मेरी शक्ल पे फिल्म देखने की क्या है, तो ले लो ना किसी और को, तो मगर मैं मेरी फिल्म की ओपनिंग तो मैं मिलती है 25 करोड़ रुपए, तो मेरे कम से कम 50 करोड़ तो बनते हैं ना इस फिल्म के जो मेरी जो मैं चार्ज करता हूँ। तो ये एक धारणा जब बैठ जाती है तो बैठ जाती है, और हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ एक्टर्स ही नहीं है, प्रोड्यूसर्स भी इसी तरह से बात करते हैं। जब वो अपना चेकबुक लेके आते हैं किसी एक्टर को साइन करने के लिए, तो वो फ्राइडे को देखते हैं कि पिछले फ्राइडे को उसकी फिल्म की ओपनिंग लग गई थी, अच्छा 10 करोड़, ओ तो 10 करोड़ वाला आदमी है, तो इसका मतलब है कि ये वीकेंड में कम से कम 25 करोड़ चले जाते हैं इसके नाम पे, तो चलो ठीक है इसके 15 करोड़ तो ले ही देते हैं इस आदमी को। वो लोग ये नहीं समझते हैं कि ओवरऑल फिल्म का बिजनेस लाइफ जो होता है, मतलब पूरे हफ्ते भर में देखें या 10 दिन के बाद देखें वो अलग चीज है, लेकिन ओपनिंग मिलती है किसी एक्टर को तो वो हमारी इंडस्ट्री में खासकर उसे एक अलग तवज्जो दी जाती है उस बात को, और इसीलिए एक्टर्स भी या सुपरस्टार भी समझने लगते हैं कभी कभी कि लोग स्टोरी सुनने के लिए नहीं आएंगे थे, मैं मेरी फिल्म अगर देखने के लिए आ रहे हैं तो वो मेरे को देखने के लिए आ रहे हैं, मेरा स्वैग देखने के लिए आ रहे हैं और मेरा एक्शन देखने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसा है मतलब ऐसी सोच है हमारी इंडस्ट्री। ठीक है, एक छोटा सा फन सेगमेंट करते हैं, मैं आपके को एक्टर्स का नाम लूंगी जो शो टाइम में आपके साथ हैं, आपको उनका नाम सुनकर आपके दिमाग में जो पहला शब्द आएगा वो बताना है, लेकिन यहाँ पे आपको उस एक्टर के बारे में नहीं बताना है, उसका जो कैरेक्टर है शो टाइम में उसके बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका नाम लिया, तो जो आपका कैरेक्टर है उसके बारे में जो फर्स्ट वर्ड आपके दिमाग में आएगा आपको वो बोलना है। ओके, स्टार्ट करें। ओके, नसरुद्दीन शाह। अगर सही हिंदी में शब्द है रूढ़ीवादी, मतलब जो ट्रेडिशनल होते हैं, जो रूढ़ीवादी। इमरान हाशमी। कमीना प्रोड्यूसर। मोनी रॉय। इमोशनल फूल। महिमा। एम्बिशियस। जी ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि श्रेया सरन के साथ आपके सबसे ज्यादा रोल रहे हैं
जितना भी हमने ट्रेलर देखा है उन्होंने आपकी वाइफ का रोल प्ले किया है शायद इसमें, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो श्रिया के साथ में मैं पहली बार काम कर रहा था, उससे पहले एक आध बार कभी पार्टीज में मुलाकात हुई थी हमारी, लेकिन पहली बार मैं उसको के साथ में करीबी से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। और जब हम पहली बार मिले थे धर्मा के ऑफिस में, तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम एक दूसरे को जानते नहीं है या एक दूसरे से कभी हम लोगों ने समय साथ में नहीं बिताया। एक एक खुलापन था, एक कंफर्ट लेवल था जब हम लोग सीन्स पढ़ रहे थे। इनफैक्ट हमें सीन पढ़े ही नहीं, हमें बुलाया गया था कि सीन्स पढ़ने के लिए कि चलो एक साथ में रीडिंग करते हैं। हम वहाँ गप्पे मारना शुरू कर दिया और वो मेरी टांग खींच रही थी, मैं अपनी टांग बचा रहा था यूं कह लो। तो इसी तरह से वो पूरा हमारा सेशन निकल गया एंड वी हैड अ वेरी वेरी गुड टाइम व्हाइल बिफोर द शूट ऑफ द फिल्म। शूटिंग के टाइम पे जब वो कंफर्टेबल इतना बिल्ड हो जाता है आपका, तो फिर शूटिंग के टाइम पे कभी कोई दिक्कत आई नहीं, ना तो उनमें कोई एटीट्यूड है और बहुत प्रोफेशनल है। तो आई थिंक हमने बहुत इम्प्रोवाइज भी किए सीन्स के अंदर, इसीलिए अगर आपको हमारी केमिस्ट्री अच्छी लगेगी तो उसका रीजन था कि हमारा कंफर्ट लेवल एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा था। तो वी डिड नॉट इवन थिंक वंस, अच्छा वो चेंज कर रही है तो समय लग रहा है, तो मैं यहाँ बैठा कुछ कर रहा हूँ, मुझे समय लग रहा है। तो इट वॉज नेवर लाइक कि यू नो, कभी कभी आपको लगता है कि अरे यार वो सेट पे क्यों नहीं आया या वो क्यों नहीं आई सेट के ऊपर। वो आई थिंक जब आप दोस्त बन जाते हैं आप समझते हैं कि अच्छा ठीक है वो मुझे वहां से फोन करके मेरे लिए कॉफी भेज देगी या कुछ और हो जाएगा, नो थिंग्स लाइक दैट। सो वी हैड अ वेरी वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन हमारा, बहुत पता नहीं कैसे मुझे लोगों ने बोला कि तुम्हारे सीन्स यार बहुत कमाल के हैं, मतलब जस्ट लुक्स लाइक कि तुम लोग बहुत जानते हो कई समय से। पर आई थिंक जब आप अच्छे एक्टर होते हो तो आप कंफर्ट लेवल यूं क्रिएट कर लेते हो। अच्छा, आपके सेट पे सबसे नॉटी बच्चा कौन था? हमारे सेट पे सबसे नॉटी अगर कहो तो श्रिया ही थी। इमरान में ठहराव है, इमरान भी मुझ जैसा बहुत ज्यादा हम लोग हल्ला नहीं करते हैं। हालांकि इमरान का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अजीब है, वो मतलब मालूम नहीं पड़ता कि आपको किसने जोक मार दिया है या वो कुछ बोल रहा है। तो ये एज अ वेरी टंग इन चीक काइंड ऑफ ह्यूमर, तो वो भी ऑफकोर्स बहुत बीच बीच में प्रैंक्स करता था वो, बट इन योर फेस श्रिया सिंह, क्योंकि वो कुछ भी बोल के खुद ही हंसती रहती थी और खुद ही हंसती रहेगी या कुछ भी करेगी, तो वो श्रिया थी। बाकी सेट पे माहौल हमेशा ऐसा था कि जिसको जब मौका मिलता था वो कुछ ना कुछ कर ही देता था सेट के ऊपर, बिकॉज बहुत चिल्ड आउट माहौल था। हमारा सेट कभी ऐसा था ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टर जो थे, दोनों डायरेक्टर्स मिहिर और अर्चित, जो राइटर्स थे, जो कैमरामैन थे, वो सब के सब इतने हम लोग घुले मिले थे कि लगता ही नहीं था कि हम काम कर रहे हैं, लगता था मजे कर रहे हैं सेट के ऊपर। तो आई थिंक सभी मजे करते थे, एक दिन भी ऐसा नहीं था जो स्ट्रेसफुल था। राजीव, ये आपकी और हमारी बात थी, अगर आप हमारे जरिए अपनी ऑडियंस से कुछ बोलना चाहेंगे तो प्लीज। तो मैं अपनी ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को हमारी इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट रहता है, आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं हमारे बारे में, कुछ ना कुछ अनुमान लगाते रहते हैं हमारे बारे में, इंडस्ट्री के बारे में आपको बड़ा शौक रहता है कि कौन सी मैगजीन में किसके बारे में क्या अफवाह छपी है, किसका अफेयर किसके साथ में चल रहा है, कौन सी फिल्म कैसे बनी है, कौन सी फिल्म ऐसे क्यों बन गई, क्यों रिलीज नहीं हुई। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे शो टाइम पर। आपके बहुत सारी उत्सुकता बढ़ेगी भी, तो उसको बचा के रखिएगा सीजन 2 के लिए। लेकिन फिलहाल अगर आपको हमारी इंडस्ट्री के बारे में जानना है, एंटरटेनिंग सीरीज देखनी है अगर आपको, तो समय मिले तो जरूर देखिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 8 मार्च से शो टाइम। थैंक यू सो मच लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए। वेलकम, मजा आया, थैंक यू।